ABPS न्यूज। सरकार की अनदेखी व गाँव के विकास के लिए स्वीकृत की जाने वाली कम धनराशि के कारण गाँव में होने वाली समस्याओं व विकास कार्यों की मांगों को ABPS न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक भोजीपुर में स्थित मैमूर गाँव पहुँचा। इस गाँव की दूरी ब्लॉक से 14 किलोमीटर तो वही जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर है। लगभग 6000 की आबादी व 2400 वोटरों द्वारा निर्वाण सिंह यादव को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में 574 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 335 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 36 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 3 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिपेयर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 95 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं 59 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड, 3 खड़ंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 70 इज्जत घरों का भी गांव में निर्माण कराया गया है। ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पंचायत घर, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 34 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 190 इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ब्लॉक भोजीपुरा है, जिला बरेली। मेरे गांव में मैंने अपने 3-4 काम रिपेयरिंग करवाए थे खरंजा के और पैसा रोक है, इसलिए कोई कार्य नहीं करा पाया। और गांव के लोग पैसा देखे थे, बड़ा मैं उस खाते में पड़ा है तो कहते हैं बहुत पैसा है प्रधान के पास, और वो खाए गया पैसे और खर्च कर लिया। लेकिन जब पैसा पर रोक लगी है, निकल नहीं पा रहा है, इसलिए बहुत से काम कार्य बाधित हैं। और गांव में ग्राम पंचायत घर नहीं है, और भी बहुत से सीसी बिल्कुल नहीं हुआ है गांव में रोक के खातिर, पैसा रोक इसलिए। और 70 शौचालय बनवाए दिए, 3 घर जाए रिपेयरिंग करा दी, प्राइमरी में शौचालय बनवाए दिए, और काम उनको बहुत है। एस्टीमेट बनवाओ तो आधे दे दो कर्मचारी हूँ, तो आगे बाद काम शुरू करवाओ, इसलिए ना कर पा रहे हैं उस चीज़ में। प्रधान पे सारे आरोप प्रधान के सिर हैं, कर्मचारी पैसा खा लेते हैं, प्रधानी का कार्य जो है अब नहीं कर चला पा रहे हैं हम लोग। से शिकंजा कहा जाता है प्रधानों पे, वो पैसा लेते हैं कर्मचारी, इनका कोई वो नहीं है लोग, इनके ऊपर लगाम कोई है ही नहीं उन पर कर्मचारी, प्रधानों पर लगाम है जो है प्रधानों का जाता है पूरी तरह। ODF की वजह से, ODF गाँव होने के कारण उसमें आया था ODF गाँव होगा मेमो ग्राम पंचायत, तो 70 शौचालय आए थे बनवा दिए गए, बकाया कोई शौचालय भी आया नहीं है। और पैसा की मांग पहले ऊपर ज़्यादा है, इसलिए शौचालय नहीं आया, नहीं तो अब तक आ भी आए थे। पैसा दे जाती है शौचालय आ जाती है, वो पैसा हमारे पास है ना, 12,000 रुपये शौचालय के आए रहे, उसकी अगर पूरी लगाया जाए तो प्रधान अपने घर से थे कहाँ से बनवा दे, 180-85 शौचालय बकाया रह गए, 70 बन चुके हैं। हम कश्यप मैमौर जिला बरेली से बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ के ग्राम मैमौर के प्रधान जी बहुत अच्छे बढ़िया कर्मठी हैं, अच्छे विकास में काम कराए हैं और तीसरी बार प्रधान बने, लेकिन उनका खाता सील होने से गांव के कईयों काम रुके हुए हैं और काम नहीं करा पा रहे हैं।